सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है हुनर पंजाब दा चैनल विच। अज आप बनावांगे मूंगफली ते तिलां दी चटनी, क्योंकि लोहड़ी लंघी है तो मूंगफली तकरीबन हर घर च पई है, तो तिल सेहत लई वैसे खाने चंगे हैं। इहदे लई जिहड़ा आपां नूं समान लगना, एक कौली मूंगफली दी, दो चमचे भुन्ने हुए तिलां दे, एक नींबू दा रस, दो हरिया मिर्चां, अदरक दा टुकड़ा, दो कलियां लहसुन दीआं, थोड़ी जी काली मिर्च, जीरा ते नमक स्वाद अनुसार। इस बनन तो बाद इन तड़का लावांगे। तड़के लिए आपां थोड़ी जी राई, दो क हरी लाल मिर्चा ते कुछ कड़ी पत्ते दे पत्ते, थोड़ी जी हिंग पावांगे। मूंगफली अपने कोल भुन्नी हुई होनी चाहिए, तिल भी भुन्ने हुए ही चाहिए हैं। सब तो पहला आपां इन मिक्सी च पावांगे मूंगफली, उस तो बाद तिल पावांगे, अदरक नूं बरीक बरीक कट के पा देना, दो कलियां लहसुन दीआं, मिर्च भी आपां ने कट के ही पा देना, नींबू दा रस निचोड़ के पाउणा। खटास तुसी अपनी मर्जी नाल पानी है, नींबू अद्धा भी पा सकते हो, एक भी पा सकते हो। हुण इहदे विच आपां पावांगे जीरा, काली मिर्च ते नमक। सारियां चीज़ां पाउण तों बाद हुण इहदे विच आपां थोड़ा थोड़ा करके पानी पाउणा, पीसदे जाणा ते पानी लोड़ जोगा आपां पाउंदे जाणा। थोड़ा पानी ये पानी एकदम नहीं पाना, इस नूं आपां ने एकदम महीन पीस लेना। हजे भी यह थोड़ी गाढ़ी है, तो ये एक चमचा पानी आपां होर पावांगे। ये चटनी सेहत लई भी बहुत चंगी है, तो टेस्टी भी बहुत बनती है। इनू तुसी पकौड़ियां नाल जां बेसन दे पूड़ियां नाल किसी भी चीज़ नाल खा सकते हो। चटनी साड़ी पीस के तैयार है। लून मिर्च तुसी अपना चैक कर लेना, तो इनू आपां ने हुण बर्तन विच कढ लेना। हुण इस लई आपां बनावांगे तड़का। तड़के दा समान आपां ने तुहानू पहलां ही दस रख्या है। हुण आपां इहदा बनाउणा तड़का। कड़छी नूं गर्म करके इहदे विच एक चम्मच आपां ने सरों दा तेल पाउणा। सरों दे तेल नूं चंगी तरह गर्म होण तों बाद तेल गर्म होने तो बाद इहदे विच आपां ने एक पिंच हिंग दी पा देनी है। हिंग थोड़ा जिहा भुन्नण तो बाद इहदे विच आपां ने राई पा देनी। राई तड़कण तो बाद इहदे विच दो मिर्चां भी पा देनियां ने।
कड़ी पत्ता पा के तड़का साडा तैयार है। इनू आपां ने चटनी दे उत्ते पा देना ते इहदे विच मिक्स कर देना। चटनी बहुत ही वधिया ते स्वाद बनी है। इनू किसी भी चीज़ नाल तुसी गर्मा गर्म बेसन का पूड़ा ते प्याज दे पकौड़े बनाए होन तां बहुत ही टेस्टी लगती है खाने की। मूंगफली की चटनी बनने तो बाद हुण आपां हरे धनिया की चटनी बनावांगे, क्योंकि हरा धनिया वैसे भी सेहत लई खाना बहुत चंगा है, क्योंकि बीपी ते कोलेस्ट्रोल नूं भी ठीक करता है। चटनी दे विच असीं इनू कच्चे रूप में खा सकते हैं। इहदे लई आपां ने अद्धी गुच्छी धनिए की ते धनिए दे नाल असीं इहदी डंडियां भी धो के लवांगे। धो के इनू आपां ने इक छलनी विच रख दिता है। एक टमाटर, दो प्याज, एक टुकड़ा अदरक का, दो हरिया मिर्चा ते दो तुरियां लहसुन दियां, भुनिया जीरा, काली मिर्च, थोड़ी जी हिंग ते नमक स्वाद अनुसार लेके आपां ने यह चटनी बनानी है। सब तो पहला आपां ने इहदे विच टमाटर का यह पार्ट कट देना। टमाटर कट के पा देना। चटनी बनाने लई आपां ने छोटा जार ही वरतना। हुण धनिए नूं भी आपां ने मोटा मोटा कट के पा लेना। यह चटनी पकौड़ियां नाल, मिस्सी रोटी नाल ते मूंगी मसरी की दाल नाल बहुत ही स्वाद लगती है ते सेहत लई भी बहुत चंगी है, क्योंकि इहदे विच आपां अदरक लहसुन सारा चीज़ कच्चे रूप में साढ़े अंदर जाता, जो शरीर की सफाई करने दे काम करता है। सारा समान मिक्सी के जार च पा के इनू एक दो गेड़ा दवा के फिर ये आपां ने मसाले पाने। इनू एक गेड़ा लवाण तो बाद हुण आपां इहदे विच नमक, जीरा, हिंग ते काली मिर्च पा देनी है ते नाले भुन्निया जीरा। इसनू पीसण लई बहुत ही थोड़ा टाइम लगता है। धनिए नूं धो के पहला छलनी विच जरूर रख लेना है ताकि फालतू पानी अपना निकल जाए। देखो अपनी चटनी कुट के बिल्कुल तैयार है। थोड़ी इहनूं आपां ने दरदरी ही रखिया है, क्योंकि इहदा खाण विच स्वाद बहुत वधिया आउंदा है। साडी धनिए ते टमाटर प्याज की चटनी बन के तैयार होई। हुण इहनूं आपां ने एक कौली विच कढ लेना है। इहनूं तुसीं किसी भी मिस्सी रोटी जां पकौड़ियां नाल खा सकते हो। पनीर के पकौड़े नाल भी यह बहुत ही वधिया लगती है ते खाणी सेहत लई चंगी भी है, क्योंकि इहदे विच धनिया पुदीना सारा ही कच्चे रूप विच आपां ने पाया है। इस तरह साडी दोनों चटनियां बन के तैयार हुई, मूंगफली की चटनी ते हरे धनिए की चटनी। इहनूं आपां ने थोड़ा जिहा दरदरा ही रखना है, जिहड़ा खाण विच सानूं इहदा थोड़ा जिहा मूँह विच स्वाद आवे। जे थानू यह वीडियो वधिया लगी चटनियां बना के कमेंट करना ते वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।